brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. सुप्रीम कोर्ट से भी इंदौर को लेकर कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। जी हां, इंदौर में पहला झटका, सबसे बड़ा झटका वो था कि अक्षय बम प्रचार करते करते बीजेपी में चले गए थे, और इसी मामले को लेकर दरअसल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी अक्षय बम के इस तरीके से जाने को लेकर, फॉर्म वापसी को लेकर। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दे दिया है कांग्रेस को और कहा कि आप लेट हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आप लेट हो गए? सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कहा कि डाक मत पत्र जो है इंदौर क्षेत्र में डाले जा चुके हैं, और इसी को लेकर कोर्ट ने कहा कि आप लेट हो गए। पूरा मामला क्या है बता दूं, कांग्रेस के जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट थे यानी वैकल्पिक कैंडिडेट मोतीन सिंह, उनके वकील की तरफ से याचिका डाली गई थी, और उस याचिका में ये अपील की गई थी अक्षय बम की फॉर्म वापसी को लेकर। तो कोर्ट ने सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप लेट हो गए, डाक मत पत्र की वोटिंग हो चुकी है, ऐसे में चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दरअसल इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की नाम वापसी के खिलाफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। यहां सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट यानी वैकल्पिक कैंडिडेट कांग्रेस के मोती सिंह पटेल थे, इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति यानी स्पेशल परमिशन वाली याचिका दायर की गई थी, और ये कहा गया था कि यहाँ पर जो फॉर्म वापसी की गई है इसको लेकर उनका ये था कि कांग्रेस की तरफ से उनको अनुमति दी जाए लड़ने की, विशेष अनुमति, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने इस तरीके से फॉर्म वापस लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की बहुत ज़्यादा देर तो नहीं, मिनटों तक सुनवाई की, और मिनटों की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का जो नज़रिया था इंदौर में मोती सिंह पटेल की याचिका को लेकर वो साफ था, और उन्होंने कहा डाक मत पत्र डाले जा चुके हैं, अब ऐसे में वैकल्पिक कैंडिडेट वाली आपकी जो याचिका है इसको हम अनुमति नहीं दे सकते हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट में आए, जिस प्रकार से आप सबको मालूम है कि इंदौर लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से चल रहा है, जैसे ही 29 तारीख के दिन अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया, क्योंकि कांग्रेस का मैं सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट था, हमारा ये प्रयास था कि कांग्रेस की तरफ से मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी माना जाए, हमने उसी को आधार मानकर माननीय निर्वाचन अधिकारी इंदौर में हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद अगले दिन हमने माननीय उच्च न्यायालय गए, सिंगल बेंच में गए, जहाँ पर न्यायालय से हमको फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया। उसके बाद हम डबल बेंच में गए, और डबल बेंच के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम आए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे द्वारा जो विधि के बिंदु उठाए गए थे उनको माना, एक्सेप्ट करा, और माननीय न्यायालय का ऐसा कहना है कि चूँकि आपके द्वारा जो जो भी बिंदु उठाए गए वो सही है, पर चुनाव में समय की कमी है। पहले आपको बता दें इसी मामले में इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, वहां चुनाव याचिका दायर करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि चुनाव याचिका इलेक्शन होने के बाद ही दायर हो सकती है, इसके लिए संभव नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये विशेष अनुमति, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि ये इलेक्शन के बाद का मैटर है, आप इलेक्शन के बाद कह सकते हैं इस तरीके की सुनवाई फॉर्म वापसी को लेकर अक्षय बम की। तो मामला चला गया विशेष अनुमति के लिए यानी स्पेशल परमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में। कांग्रेस मोती पटेल का सपोर्ट कर ही चुकी थी वैकल्पिक कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन चूंकि कोर्ट ने अक्षय बम की फॉर्म वापसी के मामले में जो कांग्रेस की डिमांड थी उसको ठुकरा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप लेट हो गए, और उसमें आधार बना है डाक मत पत्र डाले जाना, यानी अब इस संसदीय क्षेत्र में डाक मत पत्र की वोटिंग हो गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को इस मामले में झटका दिया। मोती सिंह की भी याचिका पर झटका लगा है कांग्रेस को, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किसी भी तरीके से इनके पक्ष में बात रखने से मना कर दिया और फैसला दिया है। आप देखते रहें अभी तक।